वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में सबका स्वागत है। उम्मीद करता है आप सब ठीक है, आप सबकी दुआ से हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हमारे घर पे जो रेसिपी बनने वाला है वो है चिकन तंदूरी ग्रेवी। तो कैसे करके बनाते हैं एक एक करके इंग्रेडिएंट्स पे आपको बताते हैं। हमने चिकन ले लिया है 500 ग्राम। इसमें है 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब ये जो आपको जो कटोरे में जो मिर्ची दिख रहा है वो तीखा नहीं है, बस उसके कलर के लिए हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्ची। 100 ग्राम 2 टमाटर, 3 आलू और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, पत्ता, 1 जावेत्री, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 गोलमरीच, 4 लौंग, 1 टेबल स्पून जीरा है। अब बाउल में हमारा चिकन चला जाएगा। चिकन को कैसे मैरिनेशन करके बनाते हैं आप लोग देखते रहे। दो स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिए, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था, 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा चिकन में, 1 नींबू पूरा चला जाएगा उसमें, नमक स्वाद अनुसार कम पड़ेगा तो थोड़ा डाल देंगे, हल्दी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर जो कलर देगा हमारे ग्रेवी हमारे चिकन मैरिनेशन करने के टाइम पर, 1 टेबल स्पून चिकन मसाला ये वाला पूरा 1 चम्मच गया, 1 टेबल स्पून गया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके अंदर मसाला डालेंगे ताकि हमारा जब भी ग्रेवी बनेगा मसाला जैसा रहेगा अंदर चिकन का, ढक के रख देंगे। तेल डाल देना है तंदूरी के लिए, हो गया है। अब चिकन को एक एक करके हम तवा में डाल देंगे हमारा चिकन तंदूरी होने के लिए। 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, पोंछ के डालेंगे तो उसे पानी रहेगा, वो पानी सब आग में छींटा नहीं जाता। आलू डाल दिए फ्राई करने के, तंदूरी हमारा बन रहा है, पाउडर डाल देंगे, नमक डाल दिए, उल्टा कर लेना है। ये देखो मसाले की तो तंदूरी कितना मसाला अच्छा होने आ रहा है, बहुत खूब बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत टेस्ट होगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा ग्रेवी। फ्राई हो गया है, अब हम निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया थोड़ा मसाला था वो सब चला जाएगा उसमें, क्या है अब उसमें हम डालेंगे कांदा। तंदूरी कंप्लीट हो गया है, अब देखो इसको ढक देंगे, गुलाबी जैसा हो गया, उसमें पानी डाल के हम 1 से 2 सीटी मार लेंगे उसमें। आपको जैसा बेरिस्ता बना के पीस के बनाना है आप लोग पीस के बना सकते हो, या तो सीटी हम जैसा कर रहे हैं वैसा बनाना है, वैसा भी बनाओगे तो बहुत अच्छा बनता है। तो चलो, क्योंकि ये इसको ग्रेवी जो है ना वो स्मूथ बनेगा, एकदम सॉफ्ट बनता है। हाँ, क्योंकि उसमें कांदा वंदा नहीं रहेगा, मुँह पे कांदा कांदा लगेगा नहीं। तो अभी ढक दे, कांदा गल गया है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत से गल चुका है हमारा कांदा। तो पेस्ट था बचा हुआ वो पूरा चला जाएगा। डालने के बाद उसे अच्छे तरह से भून लेना ताकि जो अदरक लहसुन कच्चापन है वो चले जाए और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। वो सब मसाला पाउडर मसाला सब चला जाएगा। मेरी लाल मिर्ची है हमारे ग्रेवी को एकदम लाल लाल करेगा, वो डाल देंगे, उसको सब भून लेंगे। और डाल देंगे साथ नमक, आलू तो फ्राई करके रखे थे। चिकन तंदूरी अगर हमें को पहले से बनाना रहेगा तो चिकन का जो मसाला है पहले से हमें भून लेने का, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी मसाला है, तंदूरी कर ली है तो उसके वजह से चिकन ऑलरेडी हमारे पास है मसाला वाला, रेडी हो गया माशाल्लाह, तो अच्छा ग्रेवी बना है एकदम, थोड़ा स्मूथ हो गया। जैसे भुन चुका है हमने जो चिकन तंदूरी जो करके रखा था वो हमें एक एक करके उसमें डाल देना है, उसमें भी हमारा मसाला लग जाए। चिकन ग्रेवी में ऐड हो गया है, अब हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है माशाल्लाह, कितना अच्छा तेल ऊपर आ गया माशाल्लाह, हमारा चिकन ग्रेवी रेडी हो गया है। हम अभी इसे प्लेटिंग कर लेंगे। तंदूरी चिकन ग्रेवी रेसिपी रेडी हो गया है, मम्मी के स्टाइल का बनाया है ना, उसका नाम क्या है पता है, टाइटल चिकन ग्रेवी तंदूरी रेसिपी मम्मी रेस्टोरेंट स्टाइल मम्मी का रेसिपी। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा और एक नया वीडियो आपको मिले। तो चलो वीडियो इधर ही एंड करती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय, अस्सलाम वालेकुम।